शांति। आज हम आपको एक बहुत ही नई बात सुना रहे हैं। वैसे महाविनाश शब्द सुन सुनकर शायद ही आपका कान सुन्न हो गया होगा, क्योंकि ये बातें हमने कितनी बार सुनी होगी कि महाविनाश होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया के द्वारा बड़े जोर शोर से तिथि तारीख सहित वीडियो आदि दिखाकर ऐसे कहते थे कि जैसे कि वो विनाश हुआ ही पड़ा है। कभी कहते थे कि फलाना डेट में दो सूर्य दिखाई देगा, कि फलाना डेट में एक धरती पर धूमकेतु आके टकराएंगे, कि फलाना डेट से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगी। सुन सुन कर देख देख कर देखते हैं कुछ होता नहीं है तो हमारा कान सुन्न हो गया होगा। लेकिन आज जो हम कह रहे हैं वो बहुत ही विचारणीय है। अगर एक गलती कर लेते हैं तो 100% सर्टेन है कि धरती की विनाश होने में कोई नहीं रोक सकता। जैसे आज कोरोना बनाया, किसी ने गलती की ना, वायरस बनाया, बाहर निकाला, सारी दुनिया कितने खतरे में आ गए, सारी दुनिया लॉकडाउन में हो गया। लेकिन फिर भी भले कोरोना से बाहर में खतरा है, लेकिन दुनिया चल तो रही है, कोई काम रुका हुआ नहीं है। भले घर बैठे हुए हैं, बाहर में कारोबार बंद है, लेकिन घर बैठे भी लोगों को पेमेंट मिल रहा है, घर बैठे भी कारोबार चल रहा है, ऑनलाइन के थ्रू से खरीदारी हो रही है, ऑनलाइन कारोबार चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, कोई भी कारोबार रुका हुआ नहीं है। ये सब कारोबार किसके आधार पर चल रहा है? इंटरनेट है तो सब कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। भले बाहर में खतरा है, लेकिन फिर भी दुनिया चल तो रही है। लेकिन हम जो कह रहे हैं, अगर कल इंटरनेट वायरस फैल जाए इस प्रकार से, क्योंकि कोई ना कोई बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वायरस बनाते हैं, इंटरनेट में छोड़ते हैं, फिर एंटीवायरस बनाकर सेल करते हैं, बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई वायरस इंटरनेट में फैल जाए, अगर इंटरनेट को ही लॉकडाउन करना पड़े, इंटरनेट को बंद करना पड़े, तो आप सोचिए तो क्या होगा। आज भी आप कभी कभी ये देखते हैं, कोई कारणवश अगर इंटरनेट नहीं होता है तो इंटरनेट ना होने के कारण सब कारोबार बंद रहता है, चाहे बैंक हो, कोई भी ऑफिस हो, इंटरनेट नहीं है, जब तक इंटरनेट नहीं है तब तक वो कारोबार बंद रहता है। और ये इंटरनेट का अविनाशी चीज है, क्या खत्म नहीं हो सकता है? कोई ये अविनाशी चीज नहीं है, जिसका सैटेलाइट आसमान पर है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा यह सब काम चलाया जा रहा है। अगर कभी भी कोई दुर्घटनावश अगर ये इंटरनेट परमानेंटली खत्म हो जाए तो कौन क्या कर सकता है? आज जो कारोबार चल रहा है इंटरनेट होने के कारण, अगर इंटरनेट ही बंद हो जाए तो सब कारोबार भी बंद हो जाएगा, सब कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन हम एक कारोबार को सोचे, जो पैसे की लेन देन, अगर हम देखें बैंक को, देखें बैंक में कोई खाता है क्या? कोई खाता, कोई फाइल का सिस्टम नहीं है। इंटरनेट है तो किसके खाते में कितना पैसा है, पैसा लेना देना सब कुछ कर सकता है। अगर इंटरनेट नहीं है तो किसके खाते में कितना भी करोड़ हो, लेकिन पैसा कोई लेना देना नहीं कर सकते, किसको पेमेंट भी कैसे दिया जाएगा। कहने की बात है, अगर इंटरनेट समाप्त हो जाए, फेल हो जाए, बंद करना पड़े, तो सब पैसा के लेन देन भी समाप्त हो जाए तो क्या होगा? अगर पैसा ही लेना देना बंद हो जाए, लोगों को पैसा ही ना मिले, किसी का करोड़ों है, अरबों है, पैसा का ही लेन देन अगर बंद हो जाए, तो क्या लोग घर बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। लोग बाहर निकलेंगे, लड़ाई करेंगे, लूट मार करेंगे। जिसको सुधारने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, कोई सुधार नहीं सकते, कोई उसको संभाल नहीं सकते, एक पूरा विश्व में, हर देश में क्या होगा? एक गृह युद्ध का रूप ले लेगा, जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। भले आज कोरोना की जो युद्ध है, एक शांति की युद्ध है, साइलेंस वॉर है, कोई बाहर में भले कितना भी खतरा हो, लेकिन सरकार एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे में भी अगर कोरोना आ जाते हैं तो हम अपना इलाज करके हम बचा लेते हैं, लेकिन ये जो अगर इंटरनेट अगर वायरस फैल जाए,
विनाश निश्चित हो जाएगा। फिर दूसरी गलती अगर कोई ये करे कि मिसाइल छोड़ दे, क्योंकि हर देश में मिसाइल भी भरपूर है, एक से एक खतरा मिसाइल है, जैसे करोना ये भी एक मिसाइल है लेकिन अति सूक्ष्म साइलेंस वार। लेकिन अगर ये जो बड़े बड़े मिसाइल जो बने हुए हैं, गलती से कोई एक देश भी अगर छोड़ दे तो वो भी विश्व भर में प्रभावित करेगा। और हर देश में शत्रुता मित्रता जरूर है, एक देश में अगर गलती से भी छोड़ दे तो मिसाइलों का बरसात हो जाएगा। विज्ञान भी ये कहते हैं सारी दुनिया में इतने मिसाइल हैं कि सारी दुनिया को एक बार नहीं 40 बार विनाश कर सकते हैं, इतने मिसाइल है। गलती से कोई एक भी मिसाइल छोड़ देते हैं, मिसाइलों का फिर बरसात हो जाएगा। तो कहने की बात है सारी दुनिया अब ऐसी एक अवस्था में खड़ी है कि वो विज्ञान के साधनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और कोई भी विज्ञान के साधन अगर मिस यूज कर लेते हैं, अगर इंटरनेट वायरस बनाकर इंटरनेट बंद कर दे, इंटरनेट फेल हो जाए, या कोई गलती से कोई मिसाइल छोड़ दे, तो सारी दुनिया महाविनाश होने में कोई नहीं रोक सकता। भले आज ज्वालामुखी फूटेंगे या डैम फूटेंगे, ये तो बहुत ही छोटी मोटी बात है, ये सारी दुनिया की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये विज्ञान के साधन अगर मिसयूज कर लेते हैं सारी दुनिया महाविनाश हो जाएगा। वैसे महाविनाश निश्चित ही नजदीक है, इस पर मेरा और एक वीडियो बनी हुई है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी काफी बातें हैं जो हम यहां वर्णन नहीं कर रहे हैं। सार ये है कि महाविनाश निश्चित ही नजदीक है, कोई ना कोई गलती कर ही लेते हैं, चाहे हम दुनिया को कितना संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन गलती कोई ना कोई कर लेते हैं। एक की गलती से सारी दुनिया विनाश के लिए निमित्त बन सकता है। किसी ने वायरस बनाया, आज सारी दुनिया में जैसे फंस गए, इसी प्रकार कोई अगर एक गलती कर लेते हैं महाविनाश होने में कोई नहीं रोक सकता। ओम शांति।